मतलब जिस दुनिया के तुम, इट्स लाइक मुझे भी अपने एज ग्रुप का ही समझो। ठीक है चलो चलो क्वेश्चंस करते हैं फटाफट फटाफट से। ठीक है आई थिंक ये गलत नहीं होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑर्गेनिज्म द टू आइडेंटिकल एलील इज सेड टू बी। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा शायद, अब दिखेगा। मैम होमोजाइगस ऑप्शन बी। बाप रे ध्यान से देखो, इट एन ऑर्गेनिज्म विद टू आइडेंटिकल एलील इज सेड टू बी। सही है, इट मैम इज क्वेश्चन कौन सा होमोजाइगस। है? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है मैम बी है। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 9, टेस्ट क्रॉस क्या करवाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मैम ऑप्शन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटरोजाइगस डोमिनेंट। डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटरोजाइगस डोमिनेंट। वेरी गुड। ठीक है अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने लेट से बोला कि मेरा जो टेस्ट क्रॉस कराने के बाद है रिजल्ट आया है कि सारे फ्लावर अगर सेम कलर के हैं, तो पेरेंट होमोजाइगस था या हेटरोजाइगस था टेस्ट क्रॉस कराने के होमोजाइगस बाद, अगर मेरे जो रिजल्ट आया है वो सारा सेम आया है, चारों के चारों कलर सेम आया, तो वो पेरेंट होमोजाइगस था या हेटरो। मैम होमोजाइगस होमोजाइगस है। ठीक है, और अगर पेरेंट आधे अलग आए आधे अलग, तो होमो या हीटरो। हेटरो। गुड गुड ओनली। क्वेश्चन नंबर 17, मेंडल डिड नॉट प्रपोज द थ्योरी ऑफ। ऑप्शन बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वेरी गुड। ये भी तुम्हें पता है। क्वेश्चन नंबर 23, सी होगा इसका बेटा। ये मेरे को समझ आ गया था कि आप लोगों को नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता था आप लोगों ने वो बिल्कुल उड़ा दिया 11th, है ना। तो 23 का आंसर है सी। क्या नाम है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेग्रीगेट होता है। क्वेश्चन नंबर 25, ये करो भाई, ऑप्शन ऑप्शन बी। बी। कैसे बेटा, कैसे किया बताओ। मैम वो बॉक्स बनाकर बॉक्स बनाकर। मैम सेक्स लिंक से है ना। मैम थोड़ा तेज बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो तुम। ऑप्शन बी है इसका आंसर। इसका आंसर है बी। गुड इवनिंग क्या मैम। है इसका। गुड इवनिंग बेटा, इसका आंसर है। अब बताओ कैसे। मैम बी कह रहे हो या डी कह रहे हो?
बी फॉर बॉय, द बॉयज। मैंने सेक्स लिंक्ड वाला है ना, इसलिए सेक्स लिंक्ड मैम इसलिए क्रॉसिंग मैंने कराएंगे, क्या मैंने क्रॉसिंग कराएंगे हाँ क्रॉसिंग तो कराएंगे, वो तो मुझे भी पता है। तो कैसे कराएं क्रॉसिंग, मुझे बताओ तो सही, मुझे आता नहीं है यार। ये मैम ये सेक्स लिंक देके क्या है कौन सा लिंक करके किया है? मैम, सेक्स लिंक डिसीज है ना ये, सेक्स लिंक हाँ रिसेसिव डिसीज। हाँ तो हाँ मेल्स में अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे होगा तो हो जाएगा तुरंत। हाँ यस मैम, बस इतना ठीक ही। है। तो फिर तो सारे मेल होने चाहिए थे ना, तो 50% नॉर्मल कैसे हो गए? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? सेक्स लिंक और रिसेसिव डिजीज है, यानी एक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करेगी। और दोनों कैसे होने चाहिए आपके? दोनों होमोजाइगस फॉर्म में होने चाहिए। वही हीमोफीलिया भी मैंने कल आपको बताया था, ये रहा हीमोफीलिया, ये भी कैसी है? सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, तो से आप पेरेंट है मेरा एक्स वाई और एक्स एक्स। तो लेट से अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ वुमेन विथ वन जीन फॉर हीमोफीलिया, ठीक है, एंड अ जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस ऑन वन ऑफ द एक्स क्रोमोजोम मैरीज अ नॉर्मल मैन। मैन को कुछ भी नहीं है, मैन को कुछ भी नहीं है, यानी कि मैन कैरियर फॉर्म में भी नहीं है। अगर मैन कैरियर फॉर्म में होता बेटा, तो वो तो यहाँ पे वो हो जाता, दैट उसको डिजीज हो जाती। क्यों? क्योंकि उसका एक्स क्रोमोजोम जो है वो अफेक्टेड होता, तो वो पूरा अफेक्टेड हो जाता ना, क्योंकि ये तो कौन सी डिजीज है? एक्स लिंक डिजीज है। हाँ के ना, यस मैम, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस कैसी है? सेक्स लिंक डिजीज है। तो यानी कि अगर इसका एक्स भी अफेक्टेड हुआ तो क्या होगा? पूरा का पूरा डिजीज हो जाएगा। यानी कि इसका एक्स भी अफेक्टेड नहीं है, जो अफेक्टेड है वो सिर्फ वुमेन में ही अफेक्टेड है, ठीक है। तो इसका एक जीन हीमोफीलिया वाला अफेक्टेड है और एक जीन कलर ब्लाइंडनेस वाला इफेक्टेड है। तो क्या मेल तो पूरा अनअफेक्टेड है, तो उसके जो आधे बच्चे बनेंगे, एक सेकेंड बेटा, तो क्या यहाँ पे देखो, जो अब यहाँ पे अनअफेक्टेड है, लेट से ये हीमोफीलिया वाला अफेक्टेड और ये कलर ब्लाइंडनेस वाला अफेक्टेड है, ठीक है। तो ये एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एच, ठीक है, ये वाला एक्स एक्स कलर ब्लाइंडनेस वाला, एक्स वाई, ठीक है, और कौन सा बच गया? ये वाला हो गया, अरे यार एक सेकेंड, एच वाला हो गया, सी वाला हो गया, और ये एच वाला बचा है ना? हाँ के ना, यस मैम, एच वाला। तो यहाँ पे देखो, क्या ये अफेक्टेड है? डॉटर नो मैम, डॉटर अफेक्टेड है? नो नहीं ना, मैम, तो नो मैम, डॉटर अफेक्टेड नहीं है। डॉटर क्या है यहाँ पे? कैरियर है। ये डॉटर क्या है यहाँ पे बेटा? कैरियर है। तो डॉटर तो अफेक्टेड है ही नहीं, मेल है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो डिजीज है, ये एक्स पे भी प्रेजेंट हो सकती है और सी पे भी प्रेजेंट हो सकती है। तो मे भी ये कैरियर हो सकता है, और मे भी अगर ये इस पे प्रेजेंट है तो डिजीज हो जाएगी, और अगर ये इस पे नहीं आई है, इस पे आई है, तो ये अनअफेक्टेड हो जाएगा। तो 50-50 पॉसिबिलिटी है कि मेल में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये कैसा है, हीटरोजाइगस फॉर्म में है। हीटरोजाइगस फॉर्म में है ना? हाँ के ना। यस मैम, तो क्वेश्चन में आंसर क्या था आपका इसमें? ये रहा देखो, ऑफ 50% हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड सन एंड 50% नॉर्मल सन, ठीक है। डॉटर को यस किसी को मैम, भी नहीं होगी, क्योंकि डॉटर सारी यहाँ पे क्या होगी? कैरियर होगी, ठीक है। यस मैम, क्वेश्चन नंबर 29, मैम बी सी ऑप्शन। ध्यान से देख लो, बी सी बी सी बी ए बी डी कर रहे हो, ध्यान से देखो और सही बताओ मेरे को आंसर। मैम ब्लड ग्रुप, मैम ऑप्शन सी है, ब्लड ग्रुप और स्किन। मल्टीपल अलील्स कंट्रोल द कैरेक्टर ऑफ, एक कैरेक्टर कंट्रोल करता है बहुत सारे अलील मिलके बेटा, सिर्फ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप।
हाँ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप एकदम सही। निगम का ब्लड ग्रुप है ए, है ना? बी पता नहीं है मेरे निगम को मैम, आपका ब्लड ग्रुप, तुम्हें तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैम मेरे को पता? पता ही नहीं कौन सा ब्लड ग्रुप। नो मैंने चेक ही नहीं कराया कभी भी। क्या बोलूं मैं बताओ, तुम कभी क्या बीमार नहीं बोलूं पड़े? मैं मैम, आज तक कोई मतलब ऐसे ब्लड ग्रुप चेक ही नहीं किया मेरा। बेटा मैम स्कूल में आपका मांगते तो है स्कूल ना, में गए, स्कूल में डायरी में भी आगे लिखते हैं ब्लड ग्रुप, तुम बिना ब्लड ग्रुप के कैसे मैम सर्वाइव कर रहे हो? कोई नहीं फटाफट लिखता जाके ब्लड ग्रुप चेक करा के आना अपना। है। मैं हमारे स्कूल में नहीं भरते ऐसे, अगर मैम अरे कहीं पे कहीं नहीं जरूरत होती है भरते जब कोई चेक बात कराना नहीं, पड़े। कहीं भी नहीं भरते कोई बात नहीं, अपना ब्लड ग्रुप आपको पता होना जरूरी है। यू नेवर नो कब उसकी जरूरत पड़ जाए, आपको ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए अपना, ठीक है? मैम मैं चेक कराने जा रहा था लेकिन कराया नहीं था। ये नहीं कराया, नहीं कहीं कराना है, भले कुछ कराओ नहीं कराओ, ब्लड ग्रुप अपना चेक कराना। जैसे शिवम का क्या है, ओ ए ब्लड मैम ग्रुप है मैम, पॉजिटिव सिर्फ है, ए बी पॉजिटिव। मैम मेरा भी वही है। अरे यार ये तुम दोनों के जुड़वा हो गया। क्वेश्चन मैम नंबर जस्ट थर्टी फोर कोइंसिडेंस। मैम ऑप्शन डी। वेरी गुड, 34 का आंसर है डी। इसके अंदर आपको थोड़ा 11th से भी रिलेटेड दे रखा है, 11th में पढ़ लेते ना तो बहुत अच्छा होता। अभी मेरे 11th के जो बच्चे ना, मैं उनसे इनसे क्वेश्चन पूछना, वो अभी बता देंगे। मैम टाइम ही का था 11th में, था सितंबर में 11th एडमिशन में हुआ। उनके पास भी उतना टाइम है और तुम्हारे पास भी, उनको भी पता है मैंने इतना सारा पढ़ा दिया ना, सच्ची बता रही हूँ। आपके सामने उनको खड़ा कर दो ना तो आप उनसे आंसर पूछ लो, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। मैम हमारे सितंबर में एडमिशन हुआ था सिर्फ, और अक्टूबर अच्छा, में 1th सेम जुड़े थे। और दो लड़कियां तो सच में बता रही हूँ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर ये कैसे करोगे, चलो क्वेश्चन नंबर 45। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोटिपिक रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस? ऑप्शन क्या बेटा? बी 1:2:1। वेरी वन गुड, 45 का आंसर है बी। अच्छा मुझे ये बताओ, विशाल बेटा आपका आंसर नहीं आ रहा, आप शांत बैठे हो? क्या मैम, आपका आंसर नहीं आ रहा, शांत बैठे हो आप? बोले कि मैं सत्यनारायण की कथा, अच्छा बोले क्या क्या मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, आप बोलते रहो मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैम बताना। आप बेटा आराम से बैठे, आपका आंसर नहीं आ रहे, समझ आ रहा नहीं आ रहा आपको? मैंने अभी क्लास ज्वाइन की, वो थोड़ा लेट हो गया था स्कूल से। ओके हाँ तो बेटा आप पता तो है, क्योंकि आप लास्ट क्लास में आए थे या नहीं आए थे? तो नो मैम बेटा अभी अपना रिवीजन चल रहा है उसका, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का ना, प्रिंसिपल वाले का, हम रिवीजन कर रहे तो आज क्वेश्चन ही कर रहे हैं, नेक्स्ट हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से आंसर देना, टेस्ट भी हो चुका है तो, ठीक है? टेस्ट यस मैम, दिया था आपने लास्ट? नो मैम। अच्छा ठीक है, अभी मेरे को ये चैप्टर आता तो है आपको, थोड़ा थोड़ा बहुत आता है। बहुत आता है, ठीक है? मुझे निगम, मेरे को डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो बताओ। मैं नहीं निगम, क्या मैम, मैम निगम मेरे को जीनोटिपिक रेशियो बताओ डायहाइब्रिड क्रॉस का। 1:2:1:4:1। ये मैम क्या एक हुआ मिनट, रेशियो?
ये कौन सा रेशो था? मैं बताऊं, फिनोटिपिक है मैम, नहीं नाइमेटोथेरियोसिस 1, फिनोटिपिक है मैम ये। जीनोटिपिक चाहिए मेरे को। हाँ मैम एक मिनट कैलकुलेट करके कर दू। कैलकुलेट करके करता हूँ, मैं बताऊं, फिर मुझे पता है तुम्हें आता है, मैं बताऊं, मुझे पता है तुम्हें आता है। बोल दो स्नेहा तुम भी, मुझे पता है तुम्हें आता है, इसलिए शांति से बैठो। ठीक है अच्छा, नहीं नहीं मुझे पता है तुम्हें आता है, मुझे पता है। ठीक है विशाल, आप मुझे ये बताओ, मेंडल के मैम जो ये लॉ थे, मालूम। हाँ ठीक है कोई बात नहीं मैं समझ गई, मेंडल के जो लॉ थे उसके अंदर कौन सा वॉयलेट हुआ था? जैसे मेंडल ने बोला था कि यार ट्रू ब्रीडिंग स्पीशीज होती है, प्योर लाइन स्पीशीज चलती है, कहीं पे भी ब्लेंडिंग नहीं होती है, तो वो कौन सा लॉ है जहां पे ब्लेंडिंग हो जाती है, उस लॉ का नाम? अनलॉक कोडोमिनेंस लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। अच्छा बोलो। मैम, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके ठीक है ठीक है। अच्छा इतनी सोनी हो रही मेरे ना। निगम मुझे ये बताओ कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में कितने फीनोटाइप्स और कितने जीनोटाइप्स होते हैं? मैम 4 फीनोटिपिक्स और 6 जीनोटिपिक्स। गुड। अच्छा मुझे ये बताओ कि स्नेहा, फिनाइल कीटोन यूरिया कौन से एंजाइम की कमी की वजह से होता है? म्यूटेशन कौन से एंजाइम में हो जाता है जिसकी वजह से वो एंजाइम नहीं बन पाता, एंजाइम का नाम? इताची। वैलिनेशन क्या फिनाइल क्या? नहीं नहीं एंजाइम क्या? एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं नहीं गा, मैं जब जिससे नाम पूछूं सिर्फ तभी उसी को आंसर बोलना और किसी को नहीं बोलना है। इताची क्या है एंजाइम का नाम? कौन वैलिनेशन एरिया वैलिनेशन सा? एरिया। ये क्या बोल हमें रहा है? सिकल सेल एनीमिया की वो नहीं है, क्लॉट की जगह वैलिनिन कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम, वही बता रहा है। नहीं बेटा वैलिनेशन एरिया फिनाइल नहीं, एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है। सिकल आपने यही तो पूछा था ना, सिकल सेल एनीमिया का। सेल एनीमिया नहीं, फिनाइल एलेनिन। ठीक है तो अगर सिकल सेल एनीमिया का मैंने पूछा है इताची, तो मुझे बताओ वो कौन सी पोजीशन है हीमोग्लोबिन की, बीटा चेन की, जिसके ऊपर चेंज आता है, सेकंड सेकंड पे आता है? पोजीशन मैम, मैम सिक्स पोजीशन। ठीक है। आरबीसी का नेचुरल जो शेप होता है, नॉर्मल शेप कौन सा होता है गुप्ता, आप बताओ? बाइकॉन्केव सेल मैंने गुप्ता से पूछा मैम, है। इससे तो मैंने इजी से वाला पूछ बीट रही हूँ। बोल रहा है। देखो किसी को नहीं बोलना, क्वेश्चन सब सुनेंगे, अनटिल एंड अनलेस मैं नाम नहीं लूंगी, मेरे को आंसर से वहीं से आना चाहिए। ठीक है ओके मैम। अदरवाइज मैं डिसोन कर दूंगी तुम्हें मीटिंग से। मैम स्कूल से आया था ना, जब आपने क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए मैं पूछ रहा था। एक्साइटेड हो गया था, आई अंडरस्टैंड। ठीक है मुझे विशाल, नली स्वामी क्या होता है बताओ? क्या मैम? नली नली स्वामी क्या होता है? पता, इताची नली स्वामी क्या होता है? मुझे भी नहीं पता। स्नेहा मैम ने आपने बताया था 2n-2 वाला होता है। हाँ मैंने बताया था, आई नो, पर मैंने क्या बताया था? मनोज नली स्वामी क्या होता है? मैम जिसमें क्रोमोजोम 44 क्रोमोजोम होते हैं, इसमें मैम 21 पेयर और 22 पेयर होते हैं, एक पेयर उसमें गायब हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा गुप्ता मुझे बताओ, क्लिनफिंटर सिंड्रोम के अंदर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाता है, उसका नाम क्या है? मैम गायनेकोमास्टी आ जाता है जिसमें ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं मैन के, एक वेरी एक्स्ट्रा गुड। एक्ट्रोम आ जाता है इसके। कौन सी कंडीशन है, ट्राइसोमी या मोनोसोमी?
मैम ये ट्राइसॉमी कंडीशन है। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी है या मोनोसोमी है गुप्ता? मैम डाउन सिंड्रोम ट्राइसॉमी कंडीशन है। इताची, डाउन सिंड्रोम का एक और नाम होता है, उसको क्या कहते हैं? पता नहीं। गुप्ता, लैंगडाउन सिंड्रोम। वेरी गुड मैम, मेरे को है ना म्यूटेशन के आगे का पूछो, पीछे का कुछ नहीं, नहीं आगे का नहीं आता, पीछे का आता है। बेटा क्वेश्चन तो मैंने आपसे सारे, एक सेकेंड मैम, ये तो सबसे लास्ट मतलब चैप्टर के लास्ट के क्वेश्चन है ये तो। नहीं मैं तो सारे पूछूंगी, आपका तो पूरे का चैप्टर का टेस्ट हो चुका है ना, तो ऐसा तो नहीं मैं इधर के पूछूंगी उधर के नहीं पूछूंगी। अच्छा चलो मुझे ये बताओ निगम, व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? एन्यूप्लॉइडी मैम वो होती है मतलब जैसे गुप्ता, व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? मैम जब एक क्रोमोसोम आ जाए या फिर एक क्रोमोसोम चला जाए तो उसको एनिप्लॉइडी कहेंगे। हिताची, व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? हाँ एक याद आ रहा है पर बोल नहीं पा रहा, ये मैंने पढ़ा था। गुप्ता, व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी? मैम जब एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही चला जाए तब कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। दोनों गलत बताया, एनिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। मैम मैं बता रहा हूँ पॉलीप्लॉइडी का, मैम जब ना एक जीन है ना ज्यादा वो कैरेक्टर कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं। नहीं बेटा क्रोमोसोम का कम ज्यादा तो हो जाता है। हाँ निकम आप बताओ पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? मैम पॉलीप्लॉइडी है या पेयर ऑफ क्रोमोसोम मैम यहाँ पे चले जाएंगे या फिर ज्यादा मात्रा में? नहीं क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाएगी तो आपने रिजल्ट बता दिया, पर वो किसकी वजह से होता है? वो उसकी वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर इन द एंड सेल डिवीजन के बाद में क्या नहीं हो पाता, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता, ठीक है, जिसकी वजह नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है, समझे? यस मैम। चलो मैम इन दोनों फिर वो ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं ना पॉलीप्लॉइडी एनिप्लॉइडी, इसलिए एनिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी के लिए। ऐसे मैम उसमें पॉलीजेनिक और उसमें प्लियोट्रॉफी है, पॉलीजेनिक मैम नंबर ऑफ होते हैं ना, इसमें कंफ्यूजन रहता है। मुझे आप उसका एग्जांपल दो तुषार, मतलब शिवम आप मुझे उसका एग्जांपल दो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जांपल दो। मैम वो स्नैपड्रैगन फ्लावर है ना? यस मैम। इताची आप मुझे स्नैपड्रैगन फ्लावर का जो एक और नाम है उसको एक और चीज कहते हैं, क्या कहते हैं? 4 o'clock। वेरी गुड। आई थिंक मेरे को लग रहा है काफी ये चैप्टर तुम्हें, मतलब आई थिंक 12th का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, बट जिस हिसाब से तुम आंसर दे रहे हो आई एम लाइकिंग इट कि तुम्हें इतना आता है, ठीक है। और मैं तुम लोगों को ये मान के चल रही हूँ कि 11th में तुमने धज्जियां उड़ाई है, उसके बाद अगर तुम ऐसे आंसर दे रहे हो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं ये मानती हूँ 11th कर लो, पता है आप में कैलिबर है इसीलिए मैं कर रही हूँ, अदरवाइज मैं रिविजन नहीं कराती, मैं अपने लेक्चर लेके निकल जाती। आप में कैलिबर है, आपको बस शायद 11th में सही गाइडेंस मिली नहीं मिली, आई डोंट नो आपको क्या पढ़ा आपने क्या सीखा मुझे नहीं पता। अगर आपको 11th में दिक्कत है कृपया करके जाके मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, वहां से सीख लेना, आप लोग नीट क्लियर कर सकते हो, तो प्लीज ट्राई है ना। मैं यही बोलूंगी कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है तो एटलीस्ट ट्राई जरूर करना नीट क्लियर करने का, है ना, आप लोग कर सकते हो यार। प्लांट फिजियोलॉजी में स्टार्ट करूंगी, अभी मैं उनका भी ना टेस्ट ही ले रही थी, ठीक है, मैं उनका एक्चुअली शायद कल से स्टार्ट करूंगी, तो मैं आप लोगों को भेज दूंगी उनका, मैं टेस्ट ही ले रही थी अभी। मैम वैसे टाइम कितने बजे का रहेगा? जो भी बैच का टाइम है वो दो ही टाइम है बायो के, 7 से 8 या फिर 8:30 से 9:30, इन दो टाइमिंग के बीच में। 11th की मैम 7 से 8 और सेम टाइम, ठीक है बच्चा। ये टेस्ट कितने मार्क्स का होगा? क्या ये टेस्ट होगा जो मेजर टेस्ट वो कितने मार्क्स का होगा टोटल? अभी जो अपकमिंग जुलाई में टेस्ट है वो, सॉरी यस 720 नंबर का,
720 का जितना नीट का होता है, नीट के बेसिस पे ही आपका पूरा टेस्ट हो रहा है, ठीक है? ओके और मैम, ये टेस्ट की जो ना मतलब पूरे भारत में हो रहा है और दिल्ली से अलावा कॉम्पिटिशन है। तो अच्छे से देना, ठीक है? अभी मुझे अच्छा बताओ, लेट से कोई एक प्लांट है जिसके अंदर, छोड़ो, चलो मुझे ये बताओ, एक अलील क्या होता है? इताची, अलील क्या काम करता है? मैम, यूनिट फैक्टर है अलील। जो अलील होता है ना मैम, जब बहुत सारे दो अलील मिलकर है ना एक जीन बनाते हैं, और जीन जीनोम बनाते हैं, जो अलील होता है ना वो एक यूनिट फैक्टर होता है। ठीक है। क्रोमोसोम किसके पैरेलल बिहेवियर शो करता है इनहेरिटेंस के वक्त? गुप्ता, मैम जीन्स के पैरेलल। वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ निगम, आप की लिंकेज क्या होता है? लिंकेज क्या होता है? मैम लिंकेज जैसे कोई मैम क्रोमोसोम मैम लिंक वो होते हैं ना उससे। गुप्ता बताओ क्या होता है लिंकेज? गुप्ता, व्हाट इज लिंकेज? मैम नहीं पता। इताची बोलो। मैम जो जीन होता है ना मैम, उस जो क्रोमोसोम के आपस में जो पास आने की जो टेंडेंसी होती है ना उसको लिंकेज कहते हैं, कि जो क्रोमोसोम होता है कितना पास आए एक दूसरे के। और ये जो डिपेंड करता है ना दो जीन के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है लिंकेज की कितनी होगी कितनी नहीं होगी। इफ इन केस डिस्टेंस कोई जीन अगर बहुत टाइटली लिंक्ड है, कोई जीन अगर बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड है, तो उसके अंदर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेगा या नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेगा? निगम, टाइटली रिस्पेक्टेड टू एंड पेरेंट। पेरेंटल ज्यादा बनेगा। टाइटली पैक ना मैम। हाँ, पेरेंट नॉन पेरेंट इताची, मैम, पेरेंट वाला ज्यादा बनेगा। स्नेहा, मैम पेरेंटल, विशाल, नॉन पेरेंट, बेटा पेरेंटल ज्यादा बनेगा। ये मैंने बार बार आपको पेरेंटल फोकस फोकस किया था ये वाला चीज कि पेरेंटल ज्यादा बनेगा, ठीक है? तो ये अच्छा मुझे ये बताओ तुषार, ये वाला जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, ये किस पे एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट दिया गया था? मैम। ड्रोसोफिला पे। अच्छा, ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला पे कितने साल तक कितनी जनरेशन देखी गई थी तब रिजल्ट दिया था? कितनी लाइफ स्पेन देखी थी उनकी? 2 वीक लाइफ स्पेन होती है। कितनी जनरेशन तक स्टडी किया था? इताची, मैम ये तो पढ़ा ही नहीं। तुषार, मैम 4 जनरेशन तकरीबन। मेंडल ने कितने पी प्लांट के टाइप्स लिए थे, कितने कैरेक्टर्स लिए थे? तुषार गुप्ता, मैम 7 कैरेक्टर्स। 7 कैरेक्टर्स, और कितने मैम स्क्रीन स्टक है। आप कितने मनोज? स्क्रीन स्टक है मैम। मैम अभी आपकी आवाज नहीं। एम आई ऑडिबल? मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। थोड़ा ठीक है, कितने ट्रेड्स लिए थे ताची? 14। 14 ट्रेड्स।
ठीक है। स्नेहा पॉड शेप से क्या समझते हो? मैम किससे? पॉड शेप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉड? पीओडी पॉड। मैं आता हूँ। मैम जो प्लांट सीड की शेप होती है। अच्छा मुझे ये बताओ तुषार कि वाई, जैसे कोई भी प्लांट है, प्लांट नहीं, दो तरह की डिजीज होती है, एक सेक्स लिंक्ड होती है और एक ऑटोसोम लिंक्ड होती है। ऑटोसोम लिंक्ड से क्या समझते हो तुषार? मैम ऑटोसोम मतलब किसी को भी हो सकती है, पेरेंट से किसी में जा सकते हैं, सन में भी डॉटर में भी। सेक्स लिंक में अगर मान लीजिए फादर को है तो डॉटर को जाने की ज्यादा चांसेस हैं, और मदर को है तो सन को जाने की ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है चलो, आपको मैं इसी बात पे यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ, है ना। देखो आपके जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मैंने पहले भी बताया था, बट अगेन मैं फिर से बता देती हूँ। देखो कुछ ऐसी चीज होगी, लेट से ये रे मदर और ये रे फादर, ठीक है। अगर मदर एक्स एक्स है और फादर क्या है, एक्स वाई है। अब ये कंडीशन लेते हैं हम, कौन सा कंडीशन है ये, लेट से ऑटोसोमल रिसेसिव लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये डिजीज जो है फादर से डॉटर में पास ऑन हो सकती है, साथ ही साथ किस में भी पास ऑन हो सकती है, सन में भी पास ऑन हो सकती है, मदर से सन में भी हो सकती है और डॉटर में भी हो सकती है, बिना भेदभाव के होगी, ठीक है। साथ ही साथ डिजीज को पास ऑन होने के लिए रिसेसिव फॉर्म में आना पड़ेगा, वो सॉरी होमोजाइगस फॉर्म में आना पड़ेगा, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब अलग कंडीशन लेते हैं, लेट से ये मदर है और ये फादर है, ठीक है। सेक्स लिंक, ऑडिबल आई एम? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब जैसे ये है डिजीज सेक्स लिंक, ठीक है। तो अगर आपको डिजीज जैसे सेक्स लिंक है तो यार क्या करना होता है, यहाँ पे हम डोमिनेंट भी लेते हैं, चलो ठीक है। तो अब सेक्स लिंक है यानी कि ये डिजीज मदर से सन में जाएगा। मैम फिर से स्टैक है। मैम फिर वॉइस नहीं आ रही। आपने सुन लिया था जो मैंने बोला था? बिल्कुल नहीं मैम। देखो है ना, अगर कोई भी डिजीज मदर में है तो वो किस में पास ऑन होगी, सन में पास ऑन होगी। अगर कोई भी डिजीज किस में है फादर में तो वो किस में पास ऑन होगी, डॉटर में। अगर आपको कोई भी ग्राफ देखो, कोई भी चार्ट देखो जहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो आप देखते ही समझ जाना कि वो डिजीज कैसी है, वो डिजीज है सेक्स लिंक्ड। और डोमिनेंट मतलब किसी भी अगर एक को हो रही है और अगर वो बच्चे को हो गई
तो इसका मतलब क्या है, डोमिनेंट। यहाँ पे कैरियर वगैरह वाला फॉर्म में नहीं है, बस एक अलील को इफेक्ट, अगर एक अलील भी इफेक्ट हो गया और डिजीज हो गई, इट मीन कि वो डिजीज कैसी है, डोमिनेंट। ठीक है, हाँ अच्छा। चलो मैं ना अब आपको एक डायग्राम बना के दिखा रही हूं, तो अब आप मुझे बताना कि वो कौन सा डिजीज है। नहीं मैं दिखा क्या रही मैम हूँ, यहाँ पे है। स्क्रीन शो करना है आपको। इश्क चलो ये क्वेश्चन करो यार, थोड़ा सा ध्यान से करना। ठीक है, पहले आप करो। चलो पहले आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 84। एट्टी फोर बच्चा पार्टी, मैम क्या होगा इसका? क्वेश्चन सेकंड होगा मैम। गुड आंसर इज सेकंड। मैम मैंने उसमें चैट बॉक्स में एक डिसीज का नाम लिखा है मैम, वो समझ। ठीक है चलो पहले 89 करो, ध्यान से करना और मुझे बताओ 89 क्या होगा। सी ऑप्शन है मैम। मैम सी है इसका। 89 सी डी है मैम। एक सी है मैम। आपने सेक्स लिंक्ड है, चलो मैं रिसेसिव है तो ये तो समझ गई कि ये रिसेसिव, आपको समझ आ गया कि मदर पेरेंट, मदर और फादर दोनों यहाँ पे क्या है डिजीज के लिए, कैरियर कैरियर है। ठीक है अब मुझे बताओ आपने सेक्स लिंक्ड कैसे सोच लिया? ऑटोसोमल होगा मैम। डोमिनेंट तो है ही नहीं ये, और ना मैम, ऑटोसोमल है, पेरेंट्स सेक्स से लिंक सन होगा। में जा रहा है ना, सन में फादर तो मैम ये हो। फादर, यहाँ पे ना फादर इफेक्टेड है ना यहाँ पे मदर इफेक्टेड है, फर्स्ट वाला जनरेशन में अपन देखें तो। ठीक है सेकंड जनरेशन में अपन चलते हैं। ठीक है तो अब फादर से फादर में जा रहा है, फादर से सॉरी फादर से सन में जा रहा है, तो ये सेक्स लिंक्ड होगा। नो मैम ऑटोसोमल मैंने आपको अभी 2 सेकंड पहले ही बताया था और ये मैं काफी बार पहले भी बता चुकी हूँ। अरे वेयर यू आर, अभी मैंने आपको बताया था ना वो ग्राफ पे लिख के कि अगर कोई भी मदर से सन में हो रही है तो वो क्या है, मदर से सन में, फादर से डॉटर में, तब है वो सेक्स लिंक। फादर से डॉटर में हो रही है और फादर से सन में ही हो रही है तो वो क्या है, ऑटोसोमल। तो ये क्या हो गया, ऑटोसोमल। ओके बताया था ना मैंने, यस मैम। चेंज कर देना मैम फिर आंसर मैम। क्वेश्चन नंबर 90।
सी में है मैम, मैम सी है इसका। सोच लो सारे के सारे। यस मैम सी है। वेरी गुड, 90 का आंसर है सी। समझ पड़ रहे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं अब? यस मैम। तो कर पा रहे हो आप लोग ये क्वेश्चन? यस मैम। उधर कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत नहीं, ये बच्चे कर ही नहीं पाते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि बच्चे बहुत दिमाग लगाते हैं, पर मैंने आपको ट्रिक बता दी कि इसको कैसे क्रैक करना है। तो उस ट्रिक के साथ आप कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 90 वाला इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है यार। ठीक है, जो भी आपने क्या सबसे आसान क्वेश्चन लग रहा है। नहीं, ये हार्ड क्वेश्चन है, ये जो आपने किया है ना 90, ये हार्ड क्वेश्चन है। ये काम करो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, आप किसी से जाके पूछना, ठीक है? अपने दोस्त से जाके पूछना कि भाई तू करके दिखा इसे, मतलब कर देगा, ऐसा नहीं है, मैं आई एम नॉट सेइंग, बट आप उसको भी बताना कि ऐसे हो सकता है। फिर बोलेगा भाई तो तू ही अपना देख। चलो क्वेश्चन नंबर, अरे यार ये तो आपके नहीं है, वन फैक्टर में। हाँ क्वेश्चन नंबर 98। ये जो डैश वाला है ना, ये यहाँ पे की गलत दे रखी है कि ये अफेक्टेड होगा। समझ पड़ रहा है ना ये आपको? यस मैम। ऑप्शन है कैसे ये ऑप्शन है बेटा? मैम पेरेंट्स से सन में भी उसमें जा रही है ना डॉटर में? कौन से पेरेंट्स से जा रही है? या तो पेरेंट्स दोनों अफेक्टेड दिख रहे हैं मेरे को। यस मैम। तो मुझे एक्सप्लेन करो। मैम ऑप्शन डी। एक ए बोल रहा है, एक बी बोल रहा है, एक डी बोल रहा है। चलो मुझे ए वाला जो है निगम एक्सप्लेन करो। जैसे मैम फादर यहाँ पे अफेक्टेड है, तो मैम मदर के, तो मैं अगर फादर से उस डॉटर में जा रही है ना, तो मैम डोमिनेंट है और सेक्स लिंक्ड है मैम। मेरे को बस एक्स लिंक्ड है वो बताओ। डोमिनेंट तो देख के सबको पता पड़ रहा है कि यार ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। चलो वो आधे बच्चों को तो वो भी नहीं पता पड़ रहा, ठीक है। चलो पहले मुझे ये बताओ एक्स लिंक्ड है, ये कैसे आप बता पा रहे हो? एक्स लिंक्ड मैम इसलिए क्योंकि मैम फादर से डॉटर में जा रही है, और मैम फादर से सन में जाती तो ऑटोसोमल होती, ठीक है। यहाँ पे पर यहाँ पे मदर भी तो अफेक्टेड है। यस मैम। तो ये नहीं बोल सकते मदर से डॉटर में जा रही है? तो मैम दोनों के उसमें डॉटर में जा रहे हैं ना, आपने बोला मैम। बोलो मैम इसमें एक स्वयं हो रहे एक, तो मैंने वो तो दोमर। अच्छा और कोई उसको एक्सप्लेन करना चाहेगा क्वेश्चन को? सोचो, टाइम लगाओ और इसको क्वेश्चन को देखो और सोचो और मुझे बताओ। ऐसे ही नहीं, हवाबाजी में नहीं करना। ये सबसे टफ क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा टफ। जो टफ क्वेश्चन आ सकता है वो यही आ सकता है, ज्यादा टफ कुछ नहीं आ सकता। सी तो नहीं होगा फिर मैम, ये नहीं है तो? ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, तो अब तो क्या ही बच रहा है? मेरे को एक आंसर चाहिए और फाइनल वाला आंसर चाहिए। सी ऑप्शन है फिर मैम। बी है इसका। मैम ऑप्शन बी। ए भी एक ने दे दिया, एक ने बी, चार बच्चे हैं, चारों ने एक एक आंसर दे दिया है। मैम बी है। बी है। ए स्नेहा ए कैसे है?
मैम क्योंकि फर्स्ट वाले में फादर डिजीज है, फादर फर्स्ट वाले में? में डिजीज है। हाँ आगे तो फादर में डिजीज है तो क्या मदर में तो डिजीज है? अच्छा मैम फादर से डॉटर में जाती है ना, मदर से सन में नहीं जा रही, इसका मतलब ये है मैम मदर जो कैरियर है। यस मैम। वेरी गुड। आगे तो इस हिसाब से आपने क्या पता लगा लिया कि ये क्या है, एक्स लिंक्ड है। एक्सीलेंट वेरी गुड, नाइस एक्सप्लेनेशन। और साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे क्लियरली ये दे रखा है अफेक्टेड है, ये की में दे रखा है कि अफेक्टेड है, तो ये है मैम। कैरियर वाली तो बात ही नहीं है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कैरियर वाली बात ही नहीं है, ये क्या है अफेक्टेड है। तो सारे जो इंडिविजुअल है वो डायरेक्ट अफेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है डिजीज क्या है डोमिनेंट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि चलो आप डोमिनेंट है। मान भी लो, इफ इन केस मान लो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में मदर फादर कैरियर है, चलो मान लिया, यहाँ पे सेकंड जनरेशन में देखो सिर्फ एक जो मम्मी है और यहाँ पे पापा नहीं है, फिर भी इनके बच्चे अफेक्टेड हो गए, इसका मतलब यहाँ पे मम्मी कैरियर नहीं थी, यहाँ पे मम्मी अफेक्टेड थी, है ना? इसका मतलब मम्मी कैसी थी, अफेक्टेड थी यानी डोमिनेंट फॉर्म में थी, समझ रहे हो बात? हाँ कि ना, अगर किसी ने ऐसा सोच भी लिया है कि फर्स्ट जनरेशन में मम्मी पापा कैरियर है तब जाके डिजीज हुई है, चलो मानना आपका सही है, सेकेंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में भी तो आओ, सेकेंड जनरेशन में देखो सिर्फ मम्मी से इनके बच्चों में डिजीज आ गई है, डेफिनेटली मम्मी अफेक्टेड है डोमिनेंट फॉर्म में, तभी बच्चों को वो डिजीज कर पा रही है थर्ड जनरेशन में। हाँ के ना शिवम? यस मैम। यस तो इसीलिए ये हो गया हमारा डोमिनेंट फॉर्म, ठीक है, रिसेसिव नहीं होगा, ठीक है, जो आप रिसेसिव रिसेसिव कर रहे थे, ठीक है। ओके यस सबसे मैम। हार्ड क्वेश्चन था ये। ये ऑप्शन हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 104। मैम क्वेश्चन नंबर ही नहीं दिख रहे मुझे तो। 104 क्या 104 ना मैम। 104? मैम बी ऑप्शन है इसका तो डायरेक्ट। मैम क्वेश्चन नंबर ही नहीं दिख रहे मुझे। अरे 104 रिफ्रेश करो। मैम बी ऑप्शन ऑप्शन डी। लेकिन वेरी गुड, समझ आ गया ना, ये तो बिल्कुल ऐसे चल रहा है, तो ये तो 104 का आंसर क्या है, डी। अब चलो ये वाला क्वेश्चन ना इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और अपने साथ वाला कोई हो उससे इसका आंसर पूछना, ठीक है। मैम इसका D4 दिल्ली है, B4 बॉम्बे। डी डी फॉर फॉर दिल्ली डेली है क्या? निगम ने बी फॉर बॉय बोला था आंसर। यस मैम। यस हाँ मैम। हाँ बेटा, कैसे कैसे एक्स लिंक्ड कैसे कर दिया? मैम मैंने पहले रिसेसिव देख लिया था ना तो मैं एक में ही दिख रहा था। बिना भेदभाव के इधर मेंशन ही नहीं कर रखा है कुछ। इधर देखो लेट से यहाँ पे चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन दोनों मम्मी पापा कैरियर है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल अफेक्टेड है ही नहीं जो हम बता सके सेकेंड जनरेशन में कि भैया यहाँ पे जो सन में डिजीज आई है वो किसकी वजह से आई है, हम नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, ठीक है। तो अब यहाँ से सेकेंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में भी, थर्ड जनरेशन के दोनों जो पेरेंट्स है वो भी करियर है, तो हम बता ही नहीं सकते वो किसी की वजह से भी हो सकता है, यहाँ पे सेक्स लिंक है ही नहीं, वो कैसी है ऑटोसोमल, क्योंकि दोनों के पेरेंट्स चाहे सेकेंड जनरेशन में हो चाहे थर्ड जनरेशन में अफेक्टेड है ही नहीं, ठीक है, और वो अगर अफेक्टेड नहीं है तो वो कैसे पास ऑन होंगे? हाँ हाँ के ना, यस मैम। तो बस इतनी सी छोटी सी कहानी है ये। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन सब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको इसमें से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक यस मैम जो कंफ्यूजन था वो भी दूर हो गया। है, ठीक है। तो अब ना देखो आपका ये चैप्टर पूरा अप टू डेट क्लियर है, सब कुछ आपको समझ आ गया, तो ये चैप्टर ठीक है आगे के लिए अच्छे से रिवाइज करना, इसको करना, और अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैम जो डिसीज के बारे में पूछ रहा था वो बता दो। स्टार्ट करना है, चैट बॉक्स में लिखना है।
मैम अब इकोलॉजी होगा ना, चैप्टर सेवन हाँ आवाज ब्रेक हो रही है, आप वॉइस ब्रेक हो रही है, मुझे तो आई नहीं थी मैम, काफी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, टाइप कर दीजिए। नहीं अभी आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम, तो अभी इकोलॉजी स्टार्ट करना है या इनहेरिटेंस स्टार्ट करना है नेक्स्ट चैप्टर? मैम मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो पढ़कर आना, ठीक है? उसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं आगे बैठ के रिवाइज करवाऊंगी, मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, तो कृपया निगम, विशाल, तुषार, हिताची, स्नेहा, कृपया करके उस चैप्टर को पढ़कर आए। जैसे मैंने आज क्वेश्चन पूछा है मैं वैसे ही वापस पूछूंगी, पूरा वन टू वन इंटरेक्टिव सेशन होगा, तो आप लोगों को आना चाहिए, तभी आप लोगों को मजा आएगा, हाँ क्या ना? ठीक है, तो पढ़कर आना उसे, ठीक है? यस मैम। मैम जो डिसीज के बारे में पूछ रहे हो वो बता दो। किसके बारे में पूछ रहे हो? मैम चैट में एक डिसीज लिखी है ना, मैथ लिस्ट। ठीक है।